हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे, तो संडे को कुछ तो स्पेशल बनना ही चाहिए क्योंकि घर पे यही डिमांड रहती है। तो आज मैंने सोचा कि चिकन पुलाव बनाया जाए, तो इसके लिए मैंने 3 कप यहाँ पे बासमती चावल ले लिए हैं और यहाँ पे मैंने 1 इंच अदरक और 10 से 12 लहसुन की कलियाँ और धनिया पत्ती के जो डंठल होते हैं, पत्तियां नहीं सिर्फ डंठल, उसे ले लिया है। इन सबको अच्छे से मैं मिक्सी में पीस लूंगी। ये है चिकन का मसाला जो मैं फ्राई करने के टाइम पे, जब मसाले सारे भूनूंगी उस टाइम पे डालूंगी। और वहां पे मैंने चावल तो पानी में धोकर भिगा के रख दिए थे सिर्फ 10 मिनट के लिए। और यहाँ पे मैंने 3 आलू ले लिए हैं क्योंकि हम बंगालीज को आलू बिना ना हम बिरयानी पसंद करते हैं और ना पुलाव, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर मैं तो भी खा लूँ वो तो बोलेंगे आलू कहाँ है। तो इसलिए आलू, क्योंकि चिकन पुलाव में आलू पड़ता नहीं है लेकिन हमारे घर में पड़ता है, चाहिए, इसलिए मैंने आलू दिया है। तो यहाँ पे मैंने एक नॉनस्टिक कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने आलू में मैंने हल्दी नमक और मिर्च को मिक्स कर लिया था और अब मैं इसे अच्छे से थोड़ा सा हल्का फ्राई कर रही हूँ। मैंने पकना नहीं चाहिए, एकदम हल्का 20% जितना होना चाहिए ऊपर नीचे थोड़ा। तो मैंने एकदम फास्ट गैस ही रखी है आलू होने के लिए और ऊपर नीचे अच्छे से थोड़ा सा दाग लग जाए। मैंने जैसे ये हल्के से फ्राई हो गए हैं ऊपर नीचे, वैसे ही अब मैं इसे साइड में निकाल लूंगी। आप लोग को लग रहा होगा कि मैं बिरयानी कर रही हूँ लेकिन नहीं, ये एकदम पुलाव की ही डिश है। और यहाँ पे मैंने खड़े मसाले ले लिए थे, दो तेज पत्ता हाफ कर लिया था, दालचीनी 3-4 टुकड़े, 2-3 इलायची के टुकड़े और 5-6 लौंग ले लिए थे। और फिर मैंने 1 टीस्पून जितना जीरा दे दिया है। और अब यहाँ पे मैंने प्याज काट ली है, प्याज यहाँ पे मैंने 2 छोटी प्याजें ली है क्योंकि मैं बरिस्ता मेरे पास बना पड़ा है, इसलिए मैंने फ्राई प्याज का मैं प्याज यहाँ पे मैंने कम लिए क्योंकि मैं वो दूंगी। और अगर आपके पास नहीं है तो आप पहले बरिस्ता बना लीजिएगा और ऐसे ही लच्छेदार प्याज काटिए, जल्दी फ्राई होते हैं और बरिस्ता बहुत अच्छे से बनता है। और यहाँ पे मैंने बीच में रिकॉर्ड ही नहीं किया कि यहाँ पे मैंने मसाला डाला था जो पीसा था मैंने अदरक लहसुन का, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैंने मसाला डाल दिया है, मसाले को अच्छे से भून लिया था अदरक लहसुन और धनिए का। और अब उसकी रॉनेस जब सब चली गई थी, मसाला अच्छे से भून गया था, तो अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ चिकन। चिकन यहाँ पे मैंने करीब 800 ग्राम लिया है। तो अब यहाँ पे मैं अच्छे से चिकन को भी मिक्स कर लूंगी और चिकन को आपको तब तक भूनना है जब तक चिकन का कलर हल्का ब्राउनिश ना हो जाए तब तक। तो यहाँ पे देखिए चिकन का कलर एकदम चेंज हो गया है, हल्का हल्का ब्राउन कलर आ गया है चिकन में। और अब मैं यहाँ, इसमें टाइम है सूखे मसाले डालने का, जो बेसिक हमारे घर के मसाले होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ऐड कर लिया है नमक को, वो आप अपने स्वाद के अनुसार, और नमक थोड़ा ज्यादा ही रखिएगा क्योंकि आलू है, आलू में नमक आलू ले लेता है, मैंने खींच लेता है नमक को। फिर यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर और यहाँ पे सबसे और एक बड़ी बात है, यहाँ पे धनिया पाउडर, धनिया जीरा पाउडर है वो मैंने डाल दिया है। और ये हल्दी जो पाउडर है वो डलती नहीं है पुलाव में, पर मेरे हस्बैंड को सफेद पुलाव खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद, उन्हें देखने से उनको अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए मैंने हल्दी डाल दी। हल्दी ऑप्शनल है, आपको अगर डालनी है तो डालिए, नहीं तो मत डालिए, हल्दी जरूरी नहीं है पुलाव में। मैंने तो हमारे घर पे चाहिए इस वजह से ही डाली है।
अब तो ये सारे मसाले मिक्स हो गए हैं और अब मैंने आलू को भी इसमें ऐड कर लिया है। यहाँ पे मैं चिकन को पकने दूंगी अराउंड 60%, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि नहीं तो फिर चिकन बहुत रबड़ी टाइप हो जाता है। अगर पूरा चिकन पका लो उसके बाद चावल इसके साथ पकाओ तो मैंने बहुत मैंने हार्डनेस या फिर एक जैसा रबड़ी टेक्सचर आ जाता है उसमें, वैसा आने की जरूरत नहीं है। इस वजह से 60% इसमें होगा और 40% जब चावल होंगे उसके साथ चिकन पूरा ही हो जाएगा। तो इसलिए अभी यहाँ पे मैं चिकन को ढक देती हूँ, ढक के चिकन अपना पानी भी छोड़ देगा और यहाँ पे सारे मसालों के साथ वो बन भी जाएगा। यहाँ पे देखिए चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है। 5 मिनट बाद मैंने इसको ढक्कन हटा के देखा है कि चिकन ने एकदम अपना पानी छोड़ दिया। अभी और यहाँ पे 20% हो गया है, 20% और होना बाकी है। अब मैं वापस इसमें ढक्कन लगा दूंगी, ढक्कन लगाने के बाद मैं देखूंगी कि चिकन और 20% हो गया है, उसके बाद ही मैं इसमें चावल ऐड करूंगी। तो पहले इसे अच्छे से मिला लेते हैं। यहाँ पे 20% हो गया था, फिर उसके बाद मैंने देखिए यहाँ पे बरिस्ता ऐड कर लिया है ऊपर से, क्योंकि ये मेरे पास पहले से ही था, आपके पास नहीं है आप पहले बना लीजिएगा। यहाँ पे बरिस्ता मैंने ऐड कर लिया है और यहाँ पे चिकन ने अपना हल्का हल्का तेल छोड़ना शुरू किया, यानी 40% चिकन मैंने यहाँ पे 60% चिकन मेरा होने आ ही गया है। तो अभी मैं इसमें ऐड कर लूँगी चावल। ये देखिए साइड में से तेल छूटने लग गया है मसालों का, यानी मेरा 60% ये एकदम रेडी है चिकन। तब मैं इसमें डाल दूंगी, यहाँ पे मैंने पुलाव मसाला बनाया, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी तो क्या क्या मैंने इसमें ऐड किया था। तो ये पुलाव मसाला मैंने घर पे ही बनाया, वो मैंने ऐड कर लिया है। इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, सौंफ है, जीरा है और जायफल है और जावित्री है, बस और ज्यादा कुछ है ही नहीं इस पुलाव मसाले में। तो यहाँ पे मसाले चिकन ने पूरा तेल छोड़ दिया, अब मैं इसमें चावल ऐड कर रही हूँ और चावल में आपने पूरा पानी चावल का निकाल देना है, पानी नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे मैं एकदम अच्छे से इसको दे रही हूँ कि पानी ना जाए, जो नीचे थोड़ा सा भी पानी है वो ना ऐड हो। और अब इसको चावल को थोड़ा सा अच्छे से भून लेंगे चिकन के साथ। अच्छे से मिक्स 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 कर लीजिए एकदम हल्के हाथों से कि चावल ना टूटे, इस वो ध्यान रखिएगा। बस ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब यहाँ पे मैंने गरम पानी डाल दिया है। यहाँ पे मैंने प्रोपोर्शन लिया था, जैसे मैंने 3 कप पानी, मैंने 3 कप चावल लिए है तो मैंने 6 कप पानी लिया है, वही 1:2 का जो 1:2 का जो प्रोपोर्शन है चावल का, 1 कप चावल में अब 2 कप पानी डालते हैं, वही प्रोपोर्शन लिया है मैंने भी। तो बस अभी यहाँ पे गर्म पानी दिया है तो ये बस अच्छे से उबल जाए यहाँ पे। यहाँ पे उबाल आ गया है तो अब मैं इसमें ढक्कन ढक दूंगी। ये ऊपर से मैंने ये ढक्कन ढक दिया है और अभी इसमें 10 मिनट मैं होने दूंगी। 10 मिनट बाद दिखेगा कि ये चावल मैंने आ गए हैं और पानी एकदम हल्का कम हो गया है। तो अब मैं क्या कर लूंगी, यहाँ पे मैं इसे दम पे दे दूंगी। तो मैंने यहाँ पे एक तवा ले लिया है, जो रोटी बनाने का नॉर्मली तवा होता है उसके ऊपर ये कढ़ाई रख दी है और यहाँ पे देखिए ये एकदम रेडी है बनके मेरा पुलाव। यहाँ पे मैंने दम दिया था इसको 10 मिनट अराउंड, उससे ज्यादा नहीं, 10 मिनट अराउंड दम दिया है और यहाँ पे खुले खुले चावल बन गए हैं और पुलाव बहुत ही अच्छा बना था, बहुत ही टेस्टी। 10 मिनट से ज्यादा लगता नहीं है दम में, क्योंकि वहां पे पानी तो ज्यादातर पानी तो सूख ही गया था और फिर 10 मिनट मैंने इसे तवे पे रखा तो बहुत ही अच्छे से बन के ये खिले खिले चावल बन के हो गए हैं। इससे ज्यादा देंगे तो चावल बहुत स्टिकी टाइप हो जाएगा। तो यहाँ पे एकदम रेडी है दम पुलाव, चिकन दम पुलाव संडे स्पेशल। और गैस भी मैंने ऑफ कर दी है और अब मैं इसे सर्व कर दूंगी इनके लिए लच्छेदार प्याज के साथ, मैंने गोल गोल रिंग में काटे थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।